हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, मफरल में डाल सकती हैं। देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 4 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और ये जो डिज़ाइन है, टोटल 4 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 44 फंदे लिए हैं, 40 फंदे 4 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और नीचे से 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच का बॉर्डर बनाया है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, स्टार्टिंग के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे हम लेफ़्ट टू राइट यानी कि इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे और ये वाले 2 फंदे राइट टू लेफ़्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, तो चाहे आप इसको ऐसे उतार कर भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और दोनों फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये वाले 2 फंदे इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे बैक लूप से आगे लाएंगे, इसको पीछे लेकर जाएंगे और सीधा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे लेफ़्ट टू राइट ट्विस्ट किए और 2 फंदे राइट टू लेफ़्ट ट्विस्ट किए हैं और 4 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फिर से हम 2 फंदे इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे। चाहे आप इनको उतार कर लीजिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम सेकेंड फंदा फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा फ्रंट लूप से ही सीधा बना लेंगे। अब इसको राइट टू लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, तो पहले बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये देखिए, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से, जो भी आपको इजी लगे वैसे ही आप इसको ट्विस्ट कर सकती हैं। फिर से इसको हम लेफ़्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकेंड फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। अब बैक लूप से पहले सेकंड फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा पीछे, फिर से सेकंड फंदा सीधा, फिर फर्स्ट फंदा सीधा, बैक लूप से सेकेंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से सेकेंड फंदा सीधा, फिर फर्स्ट फंदा सीधा, बैक लूप से सेकेंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा। धागा आगे, लास्ट के 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो है रॉन्ग साइड। इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। हर बार इसकी रॉन्ग साइड हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। रो थर्ड राइट साइड।
फिर से स्टार्टिंग के फोर फंदे उल्टे बनाएंगे, टू थ्री फोर, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हमने ये वाले फंदे लेफ़्ट टू राइट इस तरफ को टिच किए, अब इसको इस तरफ को टिच करेंगे, और ये वाले फंदे इस तरफ को टिच किए थे, इनको इस तरफ को टिच करेंगे। तो देखिए पहले ऐसे इसको आगे लेकर आएंगे, इसको पीछे लेकर जाएंगे, और दोनों फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये वाले फंदे इस तरफ को टिच करेंगे, ये देखिए इसको आगे लेकर आएंगे और इनको भी सीधा ही बना लेंगे। ये देखिए ये पहले इस तरफ को, अब इस तरफ को इसको हमने ट्विस्ट किया है धागा। आगे करेंगे फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, स्टार्टिंग के फोर फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदे राइट टू लेफ्ट और दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए हैं और फोर फंदे उल्टे बनाए। फिर से चाहे आप इनको ऐसे भी कर सकती हैं, पहले सेकंड फंदा बैक लूप से, फिर फर्स्ट फंदा फ्रंट लूप से। अब फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा, फ्रंट लूप से ही फिर फर्स्ट फंदा सीधा बनेंगे धागा आगे, वन टू थ्री फोर फंदे उल्टे, धागा पीछे, बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा, फ्रंट लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा, धागा आगे, फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, फिर से सेकंड फंदा सीधा, फिर फर्स्ट फंदा सीधा, फ्रंट लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा, धागा आगे, फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर, धागा पीछे, सेकंड फंदा फिर फर्स्ट फंदा सीधा, फ्रंट लूप से सेकंड फंदा सीधा, फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा, लास्ट के फोर फंदे उल्टे बना लेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, फोर्थ रो है रॉन्ग साइड। इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रो फोर कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वन टू फोर और रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो।